दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल टारगेट विद अमित में। जी हाँ, बात करेंगे 69 शिक्षक भर्ती प्लस 68 52 शिक्षक भर्ती तमाम मामलों के बारे में, चाहे 6800 चयन लिस्ट का मामला हो, चाहे 22000 सीट का मामला हो, चाहे उत्तर कुंजी का मामला हो, तमाम जानकारी के साथ। लेकिन जो मित्र चैनल पर नए हैं, चैनल से नहीं जुड़े हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें। देखिए लगातार 69000 शिक्षक भर्ती में जब से जो है चौथी लिस्ट आई है 6800 पदों पर, लगातार उसके लिए लगातार अभ्यर्थी जो है कोर्ट कचहरी का मामला झेल रहे हैं और लगातार इको गार्डन 5 दिन से ज़्यादा हो गए लगातार अभ्यर्थी धरना दे रहे हैं। लेकिन अभी तक जो है जनवरी से मार्च समाप्त होने को, अप्रैल आने वाला है, लेकिन अभी तक उनके ज्वाइनिंग काउंसलिंग का कोई भी शेड्यूल कार्यक्रम जारी नहीं हुआ। हालांकि जब भी अधिकारी विभागीय अधिकारी से बात करते हैं तो केवल यही आश्वासन मिलता है कि कोर्ट का आर्डर देख लेते हैं, ऊपर से आदेश आ जाए। लेकिन अभी तक इस मामले में जो है कोई भी प्रक्रिया, कोई भी चीज़ें जो है आगे बढ़ने के नाम नहीं ले रहे। कहीं ना कहीं कभी अभ्यर्थियों ने कहीं ना कहीं बात किया तो उनसे ये कहा गया है कि जब तक कोर्ट का आर्डर नहीं आ जाता है, 25 अप्रैल को सुनवाई है, कोर्ट का आर्डर आते हम शुरुआत करेंगे। हालांकि लगातार इस तरह अभ्यर्थियों को मानसिक रूप से गुमराह करने से बेहतर है कि चीज़ें क्लियर कर दी जाए, साफ कर दी जाए कि इस डेट पे आपका काम होगा। हालांकि 6800 रिश्तों पर चयन जिन लोगों को हुआ है, जिनका नाम है, वो बिल्कुल अपनी नियुक्ति पक्की समझे, क्योंकि माननीय बेसिक शिक्षा मंत्री जी के बाद माननीय मुख्यमंत्री जी योगी जी ने कहा है। तो कहीं ना कहीं 6800 रिश्त जो है अटल सत्य है, लेकिन परेशानी ज़रूर है, समस्याओं के निपटारे में लापरवाही हुई तो अफसरों पर कार्रवाई। योगी जी कैबिनेट के बैठक में विभागीय मंत्री ही देंगे प्रस्तुतिकरण। हालांकि जब 69 शिक्षक भर्ती आरक्षण घोटाले से वंचित अभ्यर्थी लगातार मेहनत कर रहे हैं, कहीं ना कहीं देखिए एक चीज़ ये भी करना पड़ेगा कि अब सारे मामले दूर है, कहीं ना कहीं अनुप्रिय पटेल जी से मुलाकात हो या तो फिर माननीय योगी जी से मुलाकात हो तो कहीं ना कहीं मामला जल्द बन सकता है, क्योंकि योगी जी के आदेश पर लिस्ट आई है। और कहीं ना कहीं जब ऐसे स्टेटमेंट माननीय मुख्यमंत्री जी के आते हैं तो एक सकारात्मक चीज़ें जो आती हैं सामने, तो कहीं ना कहीं जो भी टीम है, आयोग टीम है, लीगल टीम है 6800 की, कहीं ना कहीं उनको मेहनत करना चाहिए और योगी जी के से मिलकर अपनी समस्याओं को उनके समक्ष रखना चाहिए। देखिए ये मैटर देख लीजिए, 6800 का मैटर सरकार ही सॉल्व करे, क्योंकि हाईकोर्ट के आदेश को बरकरार रखा है जिसमें 69000 में सीट बढ़ नहीं सकती। सचिव साहब भी इस मामले में सरकार के हस्तक्षेप पर निर्भर करता है कि आखिर 6800 आरक्षित वर्ग के चयनित अभ्यर्थियों को किस प्रकार नियुक्ति प्रदान की जाए। जितना हो सके इसमें शिक्षा मंत्री जी का अहम योगदान है, वे इन सीटों पर 6800 अभ्यर्थियों का सफल समायोजन कराने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी से इजाजत लेनी पड़ेगी कि इन सभी लोगों को सीट एडजस्टमेंट एंड अवेलेबिलिटी किस आधार पर और किस प्रकार करें। कहीं ना कहीं लगातार अभ्यर्थी जो है 22000 सीट का मामला उनका भी चल रहा है, उनका भी कहना है कि सरकार गठन हो जाए, बेसिक शिक्षा मंत्री जी का पद भी संभाल लिए गए, लेकिन अभी भी उनकी कार्रवाई शुरू नहीं हुई है। हालांकि 6800 की लगातार अभ्यर्थी उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य जी से, बेसिक शिक्षा मंत्री से मिल रहे हैं तो कहीं ना कहीं इस मामले में बढ़त देखने को मिलेगी। जो लोग चैनल पर नए हैं, चैनल से नहीं जुड़े, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें। धन्यवाद।